वेव क्या है? बेसिकली वेव के अंदर एक जो पार्टिकल है या जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट होती है और वेव एनर्जी को कैरी करते हुए आगे लेके जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी, मान लो जैसे स्टेडियम में बैठे हैं आप, तो उस बहुत भरा हुआ स्टेडियम है, तो लोग आपने देखा होगा खड़े होते हैं और बैठते हैं, फिर अगला बंदा खड़ा होता है बैठता है, अगला बंदा खड़ा होता है बैठता है, तो आपने देखा उनमें से वेव प्रोपोगेट होती हुई नजर आती है। तो ऐसे ही पानी है, पानी में पत्थर फेंकते हैं तो उसमें रिपल्स क्रिएट होते हैं, तो उसमें जो वेव्स हैं वो क्रिएट होती है, लेकिन उस पर अगर कागज का पीस रख दो तो कागज का पीस आगे तैरता हुआ आगे नहीं जाता, वो अपनी जगह पे ऊपर नीचे प्रोपोगेट हो रहा होता है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, वेव बेसिकली मीडियम में डिस्टरबेंस है, पार्टिकल में डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी जाती है और एनर्जी को वो कैरी करता हुआ आगे लेके जाता है। तो वेव मोशन अगर क्रिएट करनी है तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो चाहिए, जैसे पानी है, पानी का पार्टिकल पे आपने क्या किया, एक पत्थर फेंका, तो पार्टिकल जो है वो कहाँ गया, वो नीचे गया। अब वेव तब जनरेट होगी जब ये पार्टिकल नीचे जाके मीन पोजीशन पे आके ऊपर जाके नीचे ऐसे मूव करे। सोचो एक ऐसा लिक्विड है जो पत्थर मारने में दब तो गया ऊपर ही नहीं आया, तो वेव कैसे जनरेट होगी? तो उसका ऊपर आना जरूरी है, और पार्टिकल अगर ऊपर आ गया इसका मतलब वो मीडियम इलास्टिक इन नेचर है, इलास्टिसिटी है उस मीडियम में, क्योंकि अगर इलास्टिसिटी नहीं है पार्टिकल ऊपर नहीं आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी वेव को जनरेट करने के लिए क्या होगी, इलास्टिसिटी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इलास्टिसिटी होना जरूरी है। दूसरा, जब ये पार्टिकल नीचे गया और ऊपर आया ये यहां पे रुकना नहीं चाहिए, देखो ऊपर आ गया इलास्टिसिटी है, रुकना नहीं चाहिए, ये एकदम और ओवरशूट करना चाहिए। ऐसा तब होगा जब इसमें एनर्शिया होगा, ठीक है, मोशन है, एकदम मोशन खत्म नहीं होगी, ऊपर चली जाएगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या चाहिए इसमें, एनर्शिया। तो इलास्टिसिटी और एनर्शिया, तो इलास्टिसिटी वापस लेके आ रही है, एनर्शिया एनर्शिया रोक नहीं, ये रुक नहीं रहा, एनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये ऊपर चला जाएगा। तो दो प्रॉपर्टी है जो कि वेव मोशन में जरूरी है और ये है रीजन फॉर वेव मोशन। दूसरा, इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सी दो क्वांटिटीज वेव कैरी करती है, तो पहली क्वांटिटी है एनर्जी, एनर्जी कैरी करती है, और दूसरी मोमेंटम। आप लाइन बना लें टिकट काउंटर पे, मान लो मूवी देखने जा रहे हैं, 100 लोग खड़े हैं, तो धक्का मुक्की हो रही है, तो दो लोगों ने भी धक्का मारा पूरी लाइन में असर देखा जा सकता है, लोग थोड़ा मूव कर रहे हैं, एनर्जी ट्रेवल कर रही है एक बंदे से दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, तो एनर्जी कैरी करती है, यही बेसिकली वेव मोशन है। तो एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी दे रहा है, दूसरा तीसरे को, एनर्जी तो निकलती जा रही है पर पार्टिकल वहीं के वहीं है, राइट, अपनी जगह पे ऊपर नीचे आगे पीछे मूव कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती इसमें। तो इसमें टाइप ऑफ वेव्स की अगर बात करते हैं तो दो मेजर टाइप ऑफ वेव्स हैं, क्लासिफाई किया गया, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव वो वेव्स हैं जिनको ट्रेवल करवाने के लिए फिजिकल मीडियम की जरूरत है, कि जो आपके ट्रांसफर्ड जो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय ऑसिलेशन ऑफ फिजिकल मीडियम पार्टिकल। ऑसिलेशन वर्ड क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि पार्टिकल खड़े खड़े ऊपर नीचे मूव करेंगे या आगे पीछे मूव करेंगे, तो ऑसिलेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर नीचे मूव करते हैं, तो वर्ड ऑसिलेशन देखने को मिलेगा। तो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं और अंदर से वेव मोशन प्रोपोगेट करती है। तो इसके अंदर तो आपकी जो एग्जाम्पल है, इस जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम पार्टिकल की जरूरत है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा बोलना तब वैलिड है, आपको आवाज तब सुनाई देगी जब हवा के पार्टिकल यहां पर होंगे। अगर हवा निकाल दिया जाए, वैक्यूम होगा, तो मैं बोलूंगा आपको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम पार्टिकल चाहिए, एयर के पार्टिकल चाहिए। तो जिनको एयर के जिनको मीडियम के पार्टिकल चाहिए वेव मोशन को प्रोपोगेट करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, कौन सी वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, और एग्जाम्पल क्या है, साउंड वेव है। पर कुछ वेव्स ऐसी हैं, एक्सरेज हैं, लाइट वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, जिनको वैक्यूम में भी ट्रेवल करती हैं, वो उनको मीडियम पार्टिकल चाहिए ही नहीं है, बिना मीडियम के भी ट्रेवल करती हैं। और वो ट्रेवल किस फॉर्म में करती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करता है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, आर दी फॉर्म ऑफ एनर्जीज ओनली। तो ये एनर्जी ट्रेवल करती है दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनको मीडियम नहीं चाहिए, तो ये क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। अगर हम प्लस वन के सिलेबस की बात करते हैं तो हम सिर्फ इस महीने स्टडी करेंगे मैकेनिकल वेव, साउंड वेव बस, और प्लस टू के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव, क्योंकि स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो क्या स्टडी करवाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आगे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, फिर आगे क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपका
40% सिलेबस, तो ये तीन वर्ड्स पूरा हो जाएगा, तो ये प्लस टू का पोर्शन है। ठीक है यहाँ तक। तो आगे हम मैकेनिकल वेव स्टडी करेंगे। मैकेनिकल वेव्स दो किस्म से ट्रेवल करती हैं, या तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स वेव। अगर कोई वेव क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करे तो वो ट्रांसवर्स वेव है, और अगर कोई कैसे ट्रेवल करे, जैसे एयर के पार्टिकल्स हैं, जैसे साउंड ट्रेवल करती है, साउंड जब ट्रेवल करती है तो एयर के पार्टिकल्स के कुछ पार्टिकल पास आ जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, और कुछ एक्सपैंड हो जाते हैं, पास आते हैं एक्सपैंड। तो अगर मैं बोल रहा हूं तो एयर के पार्टिकल पास आ रहे हैं दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं दूर जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। तो वेव प्रोपगेशन इस तरफ है, आपकी तरफ है, पार्टिकल का प्रोपगेशन भी इसी एक्सिस के अलोंग है। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का प्रोपगेशन ऐसे है और वेव प्रोपगेशन ऐसे है, तो वेव ऐसे निकल गई, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो इसके अंदर पार्टिकल की वाइब्रेशन ऊपर नीचे है, और वेव की प्रोपगेशन पार्टिकल की प्रोपगेशन पे 90 डिग्री पे है, ट्रांसवर्स वेव है। और इसके अंदर वेव प्रोपगेशन इस तरफ है, पार्टिकल की मोशन भी इस तरफ है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो दो किस्म की वेव्स हैं। तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर सबसे पहली चीज, कोई भी वेव जब ट्रेवल करेगी जो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, तो जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल कहाँ गया, ऊपर गया, तो मान लो 12 सेंटीमीटर ऊपर गया, 12 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, तो अगला पार्टिकल अभी सिर्फ 8 सेंटीमीटर पे है। अब ये एक स्नैपशॉट है वेव का, एक्चुअल में तो क्या हो रहा है, जब ये मान लो मोशन में ट्रेवल करता हुआ दिखाऊंगा, हर पार्टिकल 12 सेंटीमीटर ऊपर जाता दिखेगा आपको, बस फर्क यह है कि अभी ये 12 पे है, अभी ये थोड़ा कम है, अगले स्नैपशॉट में ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा ऐसे। तो हर कोई पार्टिकल मान लो 12-12 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होगा 12 सेंटीमीटर। तो पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को वेव का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अगर पार्टिकल 12 सेंटीमीटर ऊपर गया तो वेव का ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, 12 सेंटीमीटर है, तो इसको वेव का एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर है। तो वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो देख रहे हो डिस्टेंस, ये वेव का क्या है, एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसकी। पहला रूल क्लियर है। दूसरा, एक वेव का मतलब है एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। एक वेव की लंबाई, वेव की लंबाई, वेव लेंथ, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। तो एक वेव इसकी बनी हुई है, एक क्रेस्ट की और एक ट्रफ की, ये वेव लेंथ है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है। अब ये एग्जांपल क्या है इसका, ये वेव कहाँ देखने को मिलती है, एक रस्सी ले लें टाइट, रस्सी में एक कोना अपने हाथ में पकड़ लें, ऊपर नीचे मूव करें, तो आपको क्रेस्ट एंड ट्रफ दिखेंगे। तो यानी कि एग्जांपल है वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इसका एग्जांपल है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि एयर के पार्टिकल दिखते नहीं आपको, तो एयर के पार्टिकल दिख नहीं रहे, लेकिन एयर के पार्टिकल की मोशन कैसे है, जब मैं बोल रहा हूँ साउंड वेव में, पास आ रहे हैं दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं दूर जा रहे हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और इसका एग्जांपल क्या है, साउंड वेव्स है। ठीक है, यहाँ तक हम दो किस्म की वेव्स इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की और एक साउंड वेव्स की। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, अगर आपने एक वेव जनरेट की, नॉर्मली एक रस्सी में वेव जनरेट होती है, शुरू में एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, फिर कम फिर कम, फिर वेव खत्म हो जाती है, तो शुरू में तो बहुत जोर लगता है, फिर एनर्जी कम 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 होती होती जीरो हो जाती है। लेकिन अगर मान लें एक ऐसी वेव ट्रेवल कर रही है जिसका एम्पलीट्यूड हर वक्त सेम है, हर वक्त ए, जहां मर्जी देख लो ए, वेवलेंथ भी चेंज नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी भी चेंज, एक जैसी वेव ही है, इसको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। और हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे, इसको स्टडी करेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जिसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो गया फिर तो डैम्पिंग हो गई ना, और डैम्पिंग इसके अंदर हम स्टडी नहीं करते, तो अनडैम्प्ड वेव को स्टडी करते हैं, जिसको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। तो किसी भी वेव के लिए बता दिया ये एम्पलीट्यूड है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, और इस पार्टिकल ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर की, इसने अभी वाई की, लेकिन थोड़ी देर में वाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो किसी भी इंस्टेंट में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय वाई, चाहे ट्रांसवर्स वेव है चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसकी वेलोसिटी इज ऑलवेज गिवन बाय न्यू इनटू लैम्डा। न्यू लैम्डा का मतलब है वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेवलेंथ तो मैंने बता दी, एक वेव की लेंथ ये होती है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मान ले आप यहां खड़े हैं, ये एक वेव है, एक दो तीन चार पांच, और ये दूसरी वेव है। आपने क्या डिफरेंस नोट किया,
कि इसकी वेवलेंथ छोटी है, और आपने क्या डिफरेंस नोट किया, इस वेव की वेवलेंथ बड़ी है। देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड में कितनी वेव क्रॉस होती है एक पॉइंट को, उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बोलते हैं। तो अगर मैं ये वेव क्रॉस करवाऊंगा एक सेकेंड में, तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा क्रॉस होंगी और इसमें नंबर ऑफ वेव्स कम क्रॉस होंगी। तो यानी कि जिसकी वेवलेंथ बड़ी है उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी है, और जिसकी वेवलेंथ छोटी है उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है। भाई जिसकी वेवलेंथ छोटी है तो उसमें नंबर ऑफ वेव ज्यादा आएंगी ना, वेवलेंथ छोटी है नंबर ऑफ वेव ज्यादा आएंगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है, तो एक सेकेंड में ज्यादा नंबर ऑफ वेव क्रॉस करेंगे एक पॉइंट को। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं, दोनों की वेलोसिटी इज गिवन बाय न्यू इनटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। वेलोसिटी ऑफ द वेव कांस्टेंट होती है, मान लो अगर आपने वेव की वेवलेंथ को बढ़ा दिया तो सोचो आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया। फर्क ये है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी है एक सेकेंड में नंबर ऑफ वेव कम क्रॉस करेंगी, इसमें एक सेकेंड में नंबर ऑफ वेव ज्यादा क्रॉस करेंगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं, इससे मुझे दिक्कत आ जाए, ठीक है। एक दो स्टूडेंट को बुलाया, एक की आवाज़ ना बड़ी तीखी है, मतलब श्रिलनेस इतनी ज़्यादा है, बहुत तीखी आवाज़ है, और एक की आवाज़ बहुत भारी है। जो भारी आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, जो तीखी आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, ऐसी है श्रिलनेस है। प्रैक्टिकली ये मतलब है इसका, ठीक है यहाँ तक? तो ऐसा कुछ होगा। तो अभी नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी सेम फॉर्मूला है, जैसे क्रेस्ट और ट्रफ होता है ट्रांसवर्स वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो एयर के पार्टिकल पास आ जाते हैं कंप्रेस हो जाते हैं उस रीजन को कंप्रेशन बोलते हैं, और जो पार्टिकल रीजन में दूर दूर चले जाते हैं उस रीजन को रेरिफेक्शन बोलते हैं। तो जैसे ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है क्रेस्ट और ट्रफ में, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है किसमें, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन में, ठीक है यहाँ तक? जो क्रेस्ट और ट्रफ समझ में आ गया, नीचे वाला एयर के पार्टिकल्स हैं, तो एयर के पार्टिकल्स कुछ ऐसे हैं, जैसे ये एयर के पार्टिकल्स हैं, जब ये वेव ट्रैवल कर रही है ये पास आ गए नॉर्मल से, बहुत पास आ गए, और यहां पर एयर के पार्टिकल दूर है, दूर दूर है, इस रीजन को कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेशन का रीजन है, हाँ जो पास वाले हैं कंप्रेशन का रीजन है, और ये वाला रीजन जहां पार्टिकल नॉर्मल से दूर है उसको रेरिफेक्शन बोलते हैं, रीजन को उस जगह को, ठीक। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, इसके प्रूफ नहीं है। तो पहला, ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में जो ट्रेवल करते हैं, तो पहला फॉर्मूला, सॉलिड के अंदर ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है उसका फॉर्मूला वेलोसिटी का अंडर रूट ऑफ ईटा बाय रो, वेयर ईटा इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और रो इज डेंसिटी। फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है स्ट्रेच स्ट्रिंग, एक खिंची हुई रस्सी, गिटार की स्ट्रिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग है, उसमें ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काफी यूज होता है, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, टी का मतलब टेंशन द स्ट्रिंग और म्यू का मतलब मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं ट्रांसवर्स वेव के, ये काफी यूज होता है स्ट्रेच स्ट्रिंग का, क्योंकि स्ट्रेच स्ट्रिंग के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है इस कोर्स में और ये कभी कभी यूज होता है, राइट? तो ये दोनों याद रखने हैं। और नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल जैसे साउंड, तो जब ये सॉलिड में ट्रेवल करती है तो इसमें ये फॉर्मूला के फॉर बल्क मॉडुलस, ईटा फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रो फॉर डेंसिटी, ये मैंने यूज होता देखा नहीं वैसे, पेपर में मेंस और नीट में मैंने ये देखा है। एक स्टील रॉड दी होती है, स्टील रॉड में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है इस फॉर्मूले के साथ वाई बाय रो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, वाई फॉर यंग मॉडुलस, रो फॉर डेंसिटी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन जब स्टील रॉड में मूव करती है तो ये फॉर्मूला नोट करना, न्यूमेरिकल में कराऊंगा ये सीधा, ठीक है, वाई बाय रो। और लास्ट, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन लिक्विड और गैस में ट्रेवल करती है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ के बाय रो, के फॉर मीडियम का बल्क मॉडुलस। सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, एक ये फॉर्मूला याद करना है, एक ये याद करना है, एक ये मेजरली याद करना है, तीन फॉर्मूलाज इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्पीड के फॉर्मूलाज हैं।